नमस्कार बच्चों, मैं हूं हरी सर और एक बार फिर आप सभी बच्चों का चलो कदम बढ़ाए चैनल पर स्वागत करता हूं। आइए बच्चों, आज हम आगे के कुछ पार्ट और करते हैं मेंटल मैथ्स क्वेश्चन बैंक क्लास 8। देखिए यहां पर ये मैं आपको दिखाता हूं, यहां पर आज हम सीखने वाले हैं बच्चों 21 से लेके 25 तक। ठीक है बच्चों, यहाँ पर अब आप देख सकते हैं इवेलुएट सिंप्लीफाइड डिवाइड और फाइंड द रैशनल नंबर बिटवीन -1 और 4। ठीक है, हुज न्यूमेटर इज 2। तो बच्चों यहाँ पर ये न्यूमेटर नहीं है, ये डिनोमेटर है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर ये डिनोमेटर है, मिस प्रिंट हो गया, तो डिनोमेटर 2 आए, तो ऐसा हमें रैशनल नंबर फाइंड आउट करना है। आइए बच्चों हम करना शुरू करते हैं, बहुत ही आसान है। और यहाँ पर सबसे पहले आज हम सॉल्यूशन 21 पर पहुँचे हैं और इवेलुएट करना है। यहाँ पर हम लिख लेते हैं जिस क्वेश्चन को हमें करना है इवेलुएट, और यहाँ पर देखिए -17/3 और ब्रैकेट -81/15। यहाँ पर मैं ये संख्या लिख रहा हूँ, और -25/9 और यहाँ पर ये भी ब्रैकेट में है और इधर ये डिवाइड का साइन है और फिर लिखा है 17/45। ठीक है बच्चों, यहाँ पर आइए इसको करना शुरू करते हैं, बहुत ही आसान है। तो सबसे पहले मैं इसके ब्रैकेट खोल देता हूँ और इनटू, आइए हम इसको यू का लिख लेते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये डिवाइड का साइन है, हम क्या करेंगे, डिवाइड की साइन को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे और इससे जो नेक्स्ट नंबर लिखा है उसका रेसिप्रोकल करके हमें इसको लिखना होगा, मीन्स 45/17। ठीक है बच्चों, आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर देखिए 17 से 17 डिवाइड हो जाता है 1 पे। ठीक है बच्चों, और 15 1 = 15, 15 3 = 45, ये हो गया। ठीक है, यहाँ से 3 से 3 को डिवाइड कर दिया हमने, और 9 से 9 = 9, 9 9 = 81। अब यहाँ पर बच्चों जो बचा है वो है 25 × 9। ठीक है, 25 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 25 × 9 = 225, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, आइए अब हम चलते हैं 22। ठीक है, सॉल्यूशन 22 पर, यहाँ पर इवेलुएट करना है ये भी, आइए हम इसको लिख लेते हैं। यहाँ पर इवेलुएट में 7/13 और डिवाइड -1। ठीक है, ये ब्रैकेट में, आइए 7/13 वही करना है आपको, डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में चेंज कीजिए और इसके नीचे 1 मानकर रेसिप्रोकल कर दीजिए, -1/1 ही आएगा। तो आंसर बच्चों यहाँ पर यही आंसर बनेगा, 7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 × 1 = 7, लेकिन माइनस एक तरफ, तो -7/13, दिस इज द आंसर। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, सॉल्यूशन 23। ठीक है बच्चों, यहाँ पर आप 23 में सिंप्लीफाई हमें करना, आइए मैं पहले लिख लेता हूँ सिंप्लीफाई। यहाँ पर है 17/3 मल्टीप्लाई -15/81 और इनटू ब्रैकेट है 9/-25 और फिर है डिवाइड 17/45। ठीक है बच्चों, यहाँ पर ये अब आइए करना शुरू करते हैं। तो इस संख्या को यूं कहीं लिख लेते हैं, पहले इसका हम ब्रैकेट हटा देते हैं और इस ये जो माइनस का साइन नीचे है ना बच्चों, इसको हमें ऊपर लगा देना है ऐसे, और डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में चेंज कीजिए और इससे नेक्स्ट नंबर का आपको रेसिप्रोकल कर देना है ऐसे। ठीक है, यहाँ पर 17 से 17 डिवाइड कर दीजिए। अब यहाँ पर 9 1 = 9, ठीक है, 9 9 = 81, ये हो गया, और 9 से 9 1 = 9, 9 5 = 45। ठीक है बच्चों, यहाँ पर और 5 1 = 5, 5 5 = 25 और 5 से ये 5 1 = 5, 5 3 = 15। ठीक है बच्चों, ऊपर देखो माइनस माइनस, यहाँ पर 2 टाइम्स माइनस था, तो अब बच्चों यहाँ पर 3 से 3 को डिवाइड कर दिया तो क्या बचा, कुछ भी नहीं बचा। तो लेकिन यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो गया, तो बच्चों हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, 1 ऊपर है, 1 1 = 1, 1 1 = 1, 1 1 = 1। तो बच्चों ये 23 का आपका आंसर आ गया है।
आइए बच्चों हम 24 कर लेते हैं। मैं इधर करके दिखाता हूँ, ये देखिए यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा कर लेता हूँ, सॉल्यूशन 24। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, डिवाइड करना है, ठीक है, डिवाइड करना है 0/18/19, ठीक है। अब बच्चों देखिए यहाँ पर आइए मैं इसको कर लेता हूँ, 0/18/19। अब बच्चों आपको एक चीज़ बता देता हूँ मैं, यदि 0 से डिवाइड किया जाए या 0 को डिवाइड किया जाए, 0 से मल्टीप्लाई किया जाए, किसी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई किया जाए, तो आंसर क्या आता है बच्चों, 0 ही आएगा। तो ये आपका आंसर हो गया। आइए 25th हम कर लेते हैं, ये देखिए यहाँ पर 25th, यहाँ पर जो लिखा है, आइए मैं क्वेश्चन को लिख लेता हूँ, लिखता नहीं हूँ, आइए मैं आपको बता देता हूँ। देखिए फाइंड ए रैशनल नंबर बिटवीन -1 and 4 हुज, ये देखिए यहाँ पर मैंने आपको कहा था है, ये गलती से मिसप्रिंट हो गया है, तो ये है डिनोमिनेटर, ठीक है बच्चों, यहाँ पर डिनोमिनेटर 2 होना चाहिए, तो हमें एक रैशनल नंबर फाइंड करना है जिसका डिनोमिनेटर 2 आए। आइए देखिए यहाँ पर हमारे पास नंबर है -1 and 4, ठीक है, हमें रैशनल नंबर फाइंड करना है जिसका डिनोमिनेटर क्या है, 2 आए। तो बच्चों देखिए यहाँ पर एक फॉर्मूला मैं लिखता हूँ, 1/2, ठीक है, यहाँ पर फर्स्ट नंबर प्लस सेकंड नंबर, ये फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है बच्चों। यहाँ पर फर्स्ट नंबर का मतलब फर्स्ट रैशनल नंबर, ठीक है, सेकंड नंबर का मतलब सेकंड रैशनल नंबर। आइए इसको करना शुरू करते हैं, 1/2, यहाँ पर -1 प्लस सेकंड, ये देखिए 1/2, और यहाँ पर क्योंकि ब्रैकेट और डिजिट के बीच में कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई, और 4 में से 1 को माइनस कर देना है, ठीक है बच्चों, यहाँ पर 4 में से 1 माइनस करेंगे तो 3 आएगा, और यहाँ पर ये आ गया, ठीक है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो इसके नीचे 1, और 3 1 जा 3 और 2 1 जा 2, ठीक है बच्चों, ये आपका आंसर आ गया। और एक तरीका और मैं आपको बताता हूँ, अगर इसी क्वेश्चन में आपको ये पूछ लिया जाए कि इसके बीच में 2 और 3 नंबर फाइंड आउट करो, बिटवीन 2 नंबर्स, ठीक है, फाइंड रैशनल नंबर, या फाइंड 4 रैशनल नंबर, फाइंड 3 रैशनल नंबर बिटवीन 2 नंबर्स, तो आपको क्या करना होगा, देखिए यहाँ पर बीच में 0 लेंगे, और ये इधर लेफ्ट हैंड की साइड बच्चों ये माइनस के होते हैं, -1 -2 -3 -4, और इधर ये होते हैं राइट हैंड की तरफ प्लस के, ठीक है बच्चों, यहाँ पर 1 2 3 4 5 इस टाइप से आप नंबर लिख सकते हैं। अब पूछा -1, देखिए -1 हो गया और ये 4 हो गया, इसके बीच के रैशनल नंबर आपको लिखने हो तो 0 1 2 3, ठीक है बच्चों, ये इसके बीच के रैशनल नंबर आ गए, तो आप इस तरीके से भी फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये क्वेश्चन आपको कैसा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर लिखें, और इसमें से सीखकर आप दूसरे बच्चों को ज़रूर सिखाएं, चलो कदम बढ़ाएं, देश को शिक्षित बनाएं। मिलते अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।